हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 दिसंबर 2023 BPSC TRE 2.0 एग्ज़ाम में। मैं आप लोगों को इन सभी के सोल्यूशन हल करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पे जो टिक मारा गया है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये गलत टिक मारा गया है। मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन हल करके दिखाने वाला हूं। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 8,000 रुपये पर 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है होगा, यानी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग कैसे निकालते हैं? CI बराबर होता है A-P। ठीक है, तो P का मान तो यहाँ पे दिया गया है 8,000, A का मान आप लोगों को निकालना पड़ेगा, तब आप लोग C का मान निकाल लेंगे। तो देखिए A का मान आप लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो जो दिया गया है वो लिख लीजिए। यहाँ पे P दिया गया है, 2 वर्ष और 4 महीने का समय है। P बराबर 8,000 रुपये। N का मान दिया गया है 2 वर्ष और 4 महीने। ठीक है, तो इसे जब वर्ष में बदलेंगे तो ये आएगा 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, यानी इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 वर्ष और प्लस 1/3 वर्ष। ठीक है, और R का मान दिया गया है रेट 15%। तो आप लोग A का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 वर्ष और 1/3 वर्ष दोनों हैं, तो मिश्र धन निकालेंगे A बराबर। ठीक है, A बराबर हो जाएगा आपका P 1 प्लस R/100। ठीक है, और यहाँ पे N का मान फिर से गुणा करेंगे, फिर से लिखेंगे 1 प्लस R/300। अब यहाँ पे 3 फिर से क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/3 वर्ष और है इसमें। ठीक है, तो A का मान कुछ इस प्रकार निकालेंगे, तो रख दीजिए इसमें सभी में मान, ये हो जाएगा आपका 8,000 गुणे 1 प्लस 15/100, यहाँ पे 2 वर्ष लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 15/3/100। ठीक है, इसका मान आप लोगों को हल करना है। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 8,000 गुणे यहाँ पे आएगा 115/100, 115/100 दो बार हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से काट देंगे 5 बार, यानी यहाँ पे आएगा आपका 105/100। ठीक है, तो इसे आप लोगों को हल कर लेना है। इसे जब हल करेंगे तो आपका मान जो आएगा वो आएगा 11,109। मिश्र धन आपका क्या आएगा? 11,109। ध्यान दीजिएगा, जब मिश्र धन निकल गया A बराबर 11,109 और P का मान दिया गया है 8,000, तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं A-P। घटा दीजिए 11,109 - 8,000, ये आएगा 9,013, 3,109 रुपये, ये आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 3,109। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 मैथ का क्वेश्चन है। एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले, वह अपने प्रतिद्वंद्वी से 2,250 वोटों से हार गया, यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हों तो कुल कितने वोट पड़े, पूछा गया है कुल कितने वोट पड़े। तो आप लोग भी जानते हैं यहाँ पे परसेंटेज वाली सवाल है, तो कुल परसेंटेज कितना होता है? 100%। दो ही लोग हैं, एक लोग को मिलता है 35% वोट, एक को मिलता है 35% वोट, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 65%। ये तो जाहिर सी बात है, जब एक को मिलता है 35% तो दूसरे को मिलेगा 100 - 35, यानी 65%। तो ये तो तय हो गया कि एक को मिलता है 35 और दूसरे को 65%। अब दिया गया है पहला उम्मीदवार जो है 2,250 वोटों से हार जाता है। ठीक है, यानी 35% में 2,250 अगर जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा 65%। फिर से देखिएगा, जैसे ए और बी दो लोग हैं, ए को मिलते हैं 35%, बी को मिलते हैं 65%। अब ये तो ज़्यादा है, अब कितना ज़्यादा है? यहाँ पे दिया गया है 2,250 वोटों से ये जो बी है वो जीत गया, तो अगर इसमें जोड़ दें तो ये पूरा बराबर हो जाएगा 65% के। ठीक है, तो इसी को आप लोगों को हल कर लेना है, हल कर लीजिए।
तो परसेंटेज को साथ में हल करेंगे, 65% - 35% बराबर 2250। यहाँ से आ जाएगा 30% का मान 2250, 30% बराबर 2250। ठीक है, 3 से अगर काट दें तो 10% बराबर ये आ जाएगा आपका 750। आपको निकालना है 100% का मान, टोटल वोट कितने पड़े। तो यहाँ से 100% का मान कैसे निकालेंगे, 10 का गुणा कर देंगे, तो इधर 10 का गुणा कर दीजिए, इधर भी 10 का गुणा कर दीजिए, 100% का मान निकल जाएगा, क्या आएगा आपका 7500। ठीक, तो आ जाइए ऑप्शन पर, इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है, इसमें जो है सही टिक किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है, ठीक है, इसका पहला पद 10 है, तो समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है 20वां पद, 20वां पद कैसे निकालेंगे आप लोग, a प्लस 19d, ये तो आप लोग जानते होंगे। और a का मान दिया गया है, पहला पद जो है 10 है, a का मान 10 है, आप लोगों को निकालना है d का मान। जैसे ही d का मान निकल जाएगा आप लोग निकाल लेंगे 20वां पद। इसके लिए आप लोगों को पहली लाइन ध्यान देना है, दिया गया है पहले 14 पदों का योग 1050 है। ठीक है, 14 पदों का योग क्या दिया गया है, 1050। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा योग निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, Sn बराबर n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे योग तो दे दिया गया है 1050, n बाई टू, n का मान 14 है, 2, a का मान भी दिया गया है क्वेश्चन में, पहला पद 10 है, 10 लिखेंगे, n का मान 14 माइनस 1, और d का मान निकालना ही है। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो d का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ से काटेंगे 7 बार जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इसे काट देंगे, ये जाएगा आपका 15 बार, यानी 15 × 7 = 105 होता है, तो 150 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 बराबर 20 + 13d। और हल कर लेंगे, 13d का मान आ जाएगा यहाँ पे 130, d का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 10 ही आएगा। ठीक है, d का मान आ गया 10। अब आप लोगों को a का मान पता हो गया 10, दिया था पहले से ही, d का मान पता हो गया 10, ये आप लोगों ने निकाल दिया, तो आप लोग 20वां पद जो है निकाल सकते हैं, a प्लस 19d, 10 प्लस 19 × 10। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10 + 190, यानी ये क्या आ जाएगा आपका 200। ठीक है, तो आप लोगों ने 20वां पद निकाल लिया 200। ठीक है, ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन में देखिए सही टिक किया गया है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, 200। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 10,000 रुपये मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घट रहा है, कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6,561 हो जाएगा। ऐसे सवालों को मैंने ट्रिक से हल करना सिखाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इसे आप लोग 5 से 6 सेकंड में कैसे हल करेंगे, तो मैंने इस टॉपिक को परसेंटेज ट्रिक के हिसाब से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ नहीं ध्यान देना है, दिया गया है इसमें 10% की दर से घट रहा है, 10% की दर से जो है घट रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। तो पूछा गया है कितने वर्षों में मूल्य घटकर 6,561 हो जाएगा, तो बस आप लोगों को परसेंटेज पे ही ध्यान देना है। 10% मतलब क्या होता है, 10/100, काटेंगे तो ये आएगा 1/10, 10% का मतलब हो गया 1/10, 1/10 का मतलब 10, अगर पहले मान 10 है, 10 में से एक जो है घट रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर पहले वाला मान 10 है तो एक साल में 9 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दूसरे साल भी 10 है तो फिर से 9 होगा, तीसरे साल भी 10 है तो फिर से 9, चौथे साल भी 10 है तो फिर से 9। अब मैंने 4 वर्ष इसलिए किया क्योंकि आप देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 6,561, यानी 4 वर्षों में घटकर ये हो जाएगा 6,561। 9 × 9 × 9 × 9 करेंगे 4 बार तो 6,561 आएगा। ठीक है,
तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष में घटकर 6,561 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, टाइम और वर्क से रिलेटेड है क्वेश्चन। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ काम करके कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम पूछा गया है, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटे इफिशियंसी। आप लोग भी जानते हैं वर्क इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई इफिशियंसी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है 2 पुरुष और 3 महिलाएं, ठीक है, 2 पुरुष 3 महिलाएं, ठीक है, 2 male + 3 female काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 8 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं टोटल वर्क, ठीक है, ये हो गया आपका W1। और दूसरे केस में बात करें तो ये हो जाएगा 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिनों में समाप्त करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कार्य तो बराबर ही होगा, ठीक है, यानी ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए, देखिए ध्यान से इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे 16 M 24 female बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे 21 M + 14 F, F का मतलब फीमेल। तो यहाँ से मेल और फीमेल रेशियो निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से 16 है 21 है यानी 5 M आएगा, 24 14 है यानी 10 F आएगा, यानी 5 male = 10 female काट देंगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल रेशियो क्या बनेगा, 1:2, ठीक है, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल की जो क्षमता आ गई, मेल की 1 है फीमेल की 2 है। तो आप लोग M = 1 F = 2 ये किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, इसमें रख दीजिए तो आप लोगों का कार्य जो है निकल जाएगा। रख दीजिए यहाँ पे है आपका 2M + 3F मल्टीप्लाई बाई 8, तो 2M का मान 1 है, F का मान 2 है, गुणा करेंगे 8 से, यहाँ पे आ जाएगा आपका 64, यानी कार्य आपका जो आएगा वो आ जाएगा 64। अब देखिए पूछा क्या गया है, 5 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है, 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में कार्य को करेंगे। तो 5 पुरुष मेल की क्षमता क्या है, 1 है, फीमेल की क्षमता क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 + 8 क्या आएगा आपका, 13। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल वर्क आपका क्या आया था, 64, ठीक है, तो 64 में 13 से भाग कर देंगे, लगभग 5 बार जाएगा, यानी ये कह सकते हैं 5 male और 4 female इन दोनों की जो क्षमता है वो 13 है और टोटल वर्क 64 है, क्षमता 13, 64/13 लगभग 5 बार जाएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 60 है, आसान क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी यहाँ पे डी का मान पूछा गया है, देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 17वां पद दिया गया है, ये क्या होता है आपका a + 16d, 17वां पद होता है आपका a + 16d, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब 10वें पद में 7 जोड़ देंगे, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं 17वां पद a + 16d, 10वां पद a + 9d + 7, ए तो कैंसिल हो जाएगा, 16 - 9 7 आएगा बराबर 7, काट देंगे, डी का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वांतर जो है निकल गया आपका 1, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 जो है देखिए ध्यान से, 2 ट्रेनों की गति के बीच अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है, ठीक है। 2 ट्रेन है मान लीजिए ए और बी, दोनों की गति का अनुपात दिया गया है, गति का अनुपात क्या दिया गया है, 7:8, ठीक है, दोनों की स्पीड है रेशियो में दी गई है 7:8, ठीक है।
और दिया गया है पहली ट्रेन के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन दूसरी ट्रेन के बारे में कहा गया है कि 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है। जो दूसरी ट्रेन है 4 घंटे में 400 किलोमीटर, तो यहाँ से दूसरी ट्रेन की गति निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए समय है, ये दूरी, दूरी बटे चाल, यानी दूसरी ट्रेन की गति आप लोग निकाल सकते हैं। क्या आएगा आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ध्यान से, दूसरी ट्रेन की गति आप लोग निकाल सकते हैं 4 घंटे में 400 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिएगा स्पीड रेशियो दी गई है, दोनों की स्पीड रेशियो क्या है 7:8, यही दी गई है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसकी स्पीड तो निकल गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ पे 8 का मान जो है 100 के बराबर है। तो आप लोगों को 100 का मान निकालना है, पहली ट्रेन की गति आप लोगों को निकालना है। देखिए ध्यान से, 8 बराबर 100, यहाँ से 1 का मान निकाल देंगे, यानी 100 में 8 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। 1 का मान 12.5, आपको निकालना है 7 का मान, यानी 7 × 12.5, 7×5 35, 7 × 2 का गुणा करेंगे 14 × 3 17, फिर 8 आएगा, 87.5 आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए सही टिक किया गया है, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा आपका 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 1657 में अगर भाग करेंगे तो जो है 6 शेष बच रहा है, तो सबसे पहले 1657 में से 6 घटा दीजिए, ये आएगा आपका 1651। और देखिए 2037 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो यहाँ से 5 हटा दीजिए, ये आएगा आपका 2032। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों का आपको ले लेना है HCF। जब HCF लेंगे तो ये दोनों संख्याएं जो हैं 127 से कट जाएंगी, आपका आंसर जो आएगा 127। ठीक है, तो ये थे 8 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे 7 दिसंबर 2023 BPSC TRE 2.0 एग्ज़ाम में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।